बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने टेबल के अंदर फील्ड्स को डिफाइन करना सीखा था कि फील्ड का नाम आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन और फील्ड प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना सिखाया था। आज के लेक्चर में हम टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना और मॉडिफाई करना और साथ के साथ डेटा को डिलीट करना सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आइए फिर एमएस एक्सेस की एप्लीकेशन विंडो पर चलते हैं। दोस्तों, एक स्टूडेंट का टेबल जिसका स्ट्रक्चर हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने ये पहले से एक स्टूडेंट का टेबल डिजाइन कर दिया है। इसके अंदर फील्ड नेम्स ये होंगे, इसकी डेटा टाइप्स ये होंगी और अगर आप गौर करें तो इस स्टूडेंट एज के ऊपर हमने एक वैलिडेशन प्रॉपर्टी भी अप्लाई की है कि स्टूडेंट एज शुड बी लेस देन 25। तो अगर आप अपने डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करते वक्त एज जो है वो 25 से ज्यादा लिखते हैं तो फिर आपका डेटाबेस एरर जनरेट करेगा और आप अपनी इस एज को डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको फील्ड्स को इंसर्ट करना, मॉडिफाई करना और डिलीट करना सिखाते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले व्यू पर जाएंगे और डेटा शीट व्यू के ऊपर स्विच करेंगे। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये तमाम फील्ड्स मौजूद हैं, आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, फीस और स्टेटस वगैरह। अगर आप मजीद फील्ड्स को यहाँ पर ऐड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले इस कॉलम नेम पर जाएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई तरह की डेटा टाइप्स आ रही हैं, शॉर्ट टेक्स्ट, नंबर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है फील्ड नेम शॉर्ट टेक्स्ट, यानी डेटा टाइप हमने शॉर्ट टेक्स्ट ली है क्योंकि हम यहाँ पर स्टूडेंट का एड्रेस जो है वो फील्ड के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हमने लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर एड्रेस। और इस तरह दोस्तों हमने एक फील्ड को इंसर्ट करना सीख लिया। अब अगर आप इस फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, फील्ड के टैब में जाएंगे और यहाँ पर आप गौर करें तो ये एक आपको ऐड एंड डिलीट का ग्रुप नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे ही डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये फील्ड जो है ये डिलीट हो जाएगी। अगर आप इस फील्ड नेम को अपडेट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इस वाले कॉलम हेडर पर इस फील्ड नेम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ब्लैक हाइलाइटेड नजर आ रहा है। आप बैकस्पेस का बटन दबाएंगे तो अब यहाँ से सब कुछ रिमूव हो चुका है, ये फील्ड नेम रिमूव हो चुका है। अब आप अपनी मर्जी का कोई भी फील्ड नेम लिख सकते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर एबीसी, यानी कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप फील्ड को इंसर्ट भी कर सकते हैं, फील्ड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं फील्ड नेम को, और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं किसी कॉलम नेम को, किसी फील्ड नेम को, तो वो आप इस ऐड एंड डिलीट के ग्रुप में जाकर इस डिलीट के आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी वो फील्ड भी डिलीट हो गई है। इस तरह से दोस्तों आप एक फील्ड पर ये तीनों ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप अपने फील्ड नेम की यानी अपने रॉज एंड कॉलम्स की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये आपका एक डॉक्टर सिंबल आपको नजर आ रहा है। आप इसको इस तरह से बढ़ा और घटा सकते हैं तो इस तरह आपकी जो कॉलम की विड्थ है वो बढ़ जाएगी। इस तरीके से अगर आप किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से उस कॉलम पर, उस फील्ड नेम पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर आपको कई सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर भी आप गौर करें तो इस राइट क्लिक के थ्रू आप मजीद फील्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, आप फील्ड को अपडेट कर सकते हैं यानी रीनेम कर सकते हैं। अगर आप फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। इस तरह अगर आप किसी को कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो आप उसको हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप अनहाइड करना चाहते हैं कॉलम्स को तो उसके लिए आप ये अनहाइड के बटन पर, अनहाइड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हमने इसमें स्टेटस को हाइड किया था तो आप इसके इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो अब ये अनहाइड हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर वापस से अपनी जगह पर आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों एमएस एक्सेस आपको मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जो कि आप अपनी फील्ड्स पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप फील्ड्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, फील्ड्स भी कर सकते हैं, फील्ड्स को सर्च भी कर सकते हैं। अब फील्ड्स को, फील्ड्स के बाद हमारे पास बारी आती है। आप जैसे कि जानते हैं कि एक टेबल के अंदर फील्ड्स जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है, तो कॉलम्स के अंदर हम दरअसल अपने टेबल के फील्ड नेम डालते हैं। इसके बाद बारी आती है रॉस की, और रॉस के अंदर हम दरअसल अपने डेटा को इंसर्ट करते हैं यानी रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आप किस तरह से रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी स्टूडेंट आईडी है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर डिजाइन व्यू में, इसकी डेटा टाइप है ऑटो नंबर, तो ये ऑटोमेटिकली खुद से ये असाइन हो जाएगी। लेकिन बाकी के जो फील्ड्स हैं वो हमारी टेक्सचुअल है, नंबर है, तो वो हमें खुद से देनी पड़ती है, उसके लिए ये ऑटोमेटिकली इसको असाइन नहीं करेगा। तो स्टूडेंट हम लिख देते हैं अली,
डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ की डेटा टाइप है डेट एंड टाइम, तो यहाँ पर हम डेट को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 21/10/1998 और एज हम यहाँ पर लिख देते हैं 26। दोस्तों अभी आप और कीजिएगा क्योंकि हमने यहाँ पर वैलिडेशन एक रूल अप्लाई किया है कि 8 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 25, तो अब ये इस डेटा को इंसर्ट नहीं करेगा, बल्कि इसने हमें एक एरर मैसेज भी शो किया है, वैलिडेशन मैसेज भी शो किया है कि 8 शुड बी लेस देन 25, तो यहाँ पर हमें लेस देन 25 जो है वो एज रखनी है, तो हमने यहाँ पर एज लिख दी है 22। इसी तरीके से हम फीस लिख देंगे 50,000, स्टूडेंट का स्टेटस के वो प्रेजेंट है या नहीं ये हमने यस लिख दिया। इस तरह से जैसे ही अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों ये एक रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अब अगर आप इस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप दोबारा से उस रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, जिस भी कॉलम नेम को, जिस भी आप जिस सेल के अंदर मौजूद डाटा को अपडेट करना चाहते हैं, आप उस सेल पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद आप बैकस्पेस का बटन दबाएंगे और जो भी डाटा आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप इंसर्ट कर देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी सेल में मौजूद डाटा को अपडेट कर सकते हैं। अब दोस्तों अब बारी आती है डिलीट की। डिलीट के लिए एमएस एक्सेस आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है, आप होम टैब पे जाएंगे, होम टैब के अंदर आपको एक ग्रुप मिलेगा रिकॉर्ड्स का, जिसके अंदर आप अपने रिकॉर्ड से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, आप जिस रिकॉर्ड पर मौजूद है उसको डिलीट कर सकते हैं, आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, इसके अलावा आप रोज वगैरह की हाइट को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो हमने उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने इस डिलीट पर क्लिक किया, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पर, और हमें यहाँ पर क्लिक किया डिलीट रिकॉर्ड। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो रिकॉर्ड है वो बआसानी डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों ये वो तमाम ऑप्शंस थे जिसके थ्रू हम डाटा को भी इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, साथ के साथ फील्ड नेम्स को भी इंसर्ट, डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ। अगले लेक्चर में हम डाटा को फाइंड और रिप्लेस करना सीखेंगे एक टेबल के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।